good morning students today we are going to start our next chapter that talks about the climate of india weather and climate weather can be defined as the condition of atmosphere at a certain place or time we can describe it as sunny windy and foggy atmosphere ka wo condition jo kisi particular place ka ho aur time ka ho usse weather kaha jata hai Isse hum sunny windy ya foggy के नाम से भी जान सकते हैं वेदर कंडीशन डे टू डे चेंज होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आज सनी वेदर है तो हो सकता है कि कल थोड़ा रेनी वेदर हो आज चमकती धूप है तो कल बारिश भी हो सकती है द वर्ल्ड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट डिस्क्राइब द वेदर प्लेस जनरली हैज़ थ्रू आउट द ईयर वेदर का वो पैटर्न वेदर कंडीशन का वो पैटर्न जो किसी एक जगह का काफ़ी लंबे समय तक हो उसे क्लाइमेट कहा जाता है धरती अर्थ पर काफ़ी जगह ऐसे हैं जहाँ पर साल भर हॉट वेदर रहता है और कुछ जगह ऐसे भी ऐसी भी हैं जहाँ पर सालों भर कोल्ड वेदर रहता है कोल्ड क्लाइमेट रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट नंबर वन द लोकेशन ऑफ प्लेस डिटरमाइंस द क्लाइमेट किसी जगह का लोकेशन उसे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है प्लेसेस नियर सी हैव अ कूलर एंड मॉडरेट क्लाइमेट एज कंपेयर्ड टू द प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी वो जगह जो समुद्र से पास हो समुद्र के पास होती हैं वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा और मॉडरेट होता है बल्कि वो जगह जो समुद्र से दूर होती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं हिल्स एंड माउंटेंस आर कूलर देन प्लेन्स पहाड़ या फिर छोटे छोटे जो हिल्स होते हैं वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा होता है प्लेन्स के कंपैरिजन में टेम्परेचर रेनफॉल डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोइंग इन एने एरिया आर ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर द टाइप ऑफ क्लाइमेट किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा वो वहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वहाँ के रेनफॉल पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ विंड डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इक्वेटर से हमारी दूरी कितनी है ये भी क्लाइमेट पर अफेक्ट करता है

सीजन्स इन इंडिया अब इंडिया में कितने सीजन्स हैं हम लोग वो देखते हैं नंबर वन समर सीज़न इट बिगिनस फ्रॉम मिड मार्च टू द एंड ऑफ द जून ये मार्च के मिड से शुरू होता है और जून के लास्ट तक रहता है द टेम्परेचर राइज वेरी हाई यहाँ पे टेम्परेचर इस सीज़न में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है द डेज़ आर लॉन्गर दैन नाइट्स समर सीजन के टाइम पर डेज़ लंबे होती हैं नाइट से हॉट एंड ड्राई वन कॉल्ड लू लूज इन समर सीजन समर सीज़न में गर्म हवा बहती है जिसे लू कहा जाता है द सदर्न कोस्ट कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया इज लेस हॉट एज इट इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन थ्री साइड्स इंडिया का जो सदर्न कोस्टल एरिया है जो कोस्टल पार्ट है वहाँ पर गर्मी थोड़ी कम है क्योंकि उसका थ्री साइड्स सी से घिरा हुआ है समुद्रों से समुद्र से घिरा हुआ है द कूल ब्रिज फ्रॉम सी कीप्स द कोस्टल कोस्टल एरिया समुद्र से उठने वाली ठंडी हवाएं उस जगह कोस्टल एरियाज को ठंडी रखती हैं विंटर सीजन इट बिगिन फ्रॉम द मिड नवंबर टू द एंड ऑफ द फेबरुअरी द नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्ट विंटर सीजन में नवंबर से शुरू होता है और फरवरी के लास्ट तक रहता है विंटर सीजन के टाइम पर नाइट्स लंबी हो जाती हैं और डेज हमारे शॉर्टर हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्राम वेस्ट कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल ऑन द माउंटें विंटर सीजन के टाइम पर वेस्ट की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं उन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कहा जाता है यही नहीं जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चलती हैं तो वो अपने साथ लाइट रेनफॉल लेकर आती है जो प्लेन एरियाज में बरसते हैं और साथ ही साथ माउंटेन एरिया में स्नोफॉल का कारण बनते हैं द स्टेट ऑफ तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल इन विंटर तमिलनाडु का स्टेट विंटर के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव करता है मॉनसून सीजन It starts in the end of June and continues till the end of September. Monsoon season June ke ends Shruhota or September ke end the Moisture bearing winds blow from Arabian Sea to Bay of Bengal, which causes rainfall all over the India. These winds are called monsoon winds. यहाँ विंड्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो भी हवाएं बहती हैं वो अपने साथ पूरे इंडिया में हैवी रेनफॉल लेकर आती हैं इन्हीं विंड्स को मॉनसून विंड्स के नाम से भी जाना जाता है एग्रीकल्चर इन इंडिया लार्जली डिपेंड्स ऑन रेन्स सम टाइम हैवी रेन्स कॉज फ्लड एंड वेरी लिटल रेन कॉज ड्रॉट इंडिया में एग्रीकल्चर का मेन सोर्स रेन है कभी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो यहाँ फ्लड भी ले आती है और बहुत कम बारिश यहाँ पे ड्रॉट का कारण भी बन जाती है मेघालय रिसीव्स एट हंड्रेड सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वाइल राजस्थान रिसीव्स लेस देन टेन सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इंडिया में ही दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है और एक जगह ऐसी जहाँ पर सबसे कम होती है मेघालय एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है लगभग 800 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है जबकि राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है ऑटम एंड स्प्रिंग सीज़न ऑटम कम्स आफ्टर रेनी सीज़न इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर ऑटम रेनी सीजन के बाद आता है सेप्टेम्बर और अक्टूबर के महीने में इट इज़ कूलर एंड प्जेंट सीज़न ये काफ़ी ठंडा और सुहाना मौसम होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सीज़न ऑफ फेस्टिवल्स इसे फेस्टिवल्स का भी मौसम कहा जाता है क्योंकि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं वो इसी सीज़न में होते हैं स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर द आन सेट ऑफ समर स्प्रिंग सीजन विंटर के बाद आता है और समर के आने से पहले आता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ द सीजन इसे किंग ऑफ़ द सीजन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज द वेदर इज वेरी प्रेजेंट क्योंकि इस समय का वेदर काफ़ी ज़्यादा सुहाना होता है फ्रेश फ्लावर्स एंड लीव्स ब्लूम नए नए फूलों का आगमन होता है इट इज़ सीज़न ऑफ पिकनिक एंड पार्टीज इस सीज़न में ज़्यादातर लोग पिकनिक या पार्टीज पे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉट वी हैव स्टडी टिल नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू